जय गुरुदेव, जय जगन्नाथ। ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञानर अभिनव रूप रोमंथन को आपण समस्त स्वागत करुच्छी मुगुटी। दर्शक बंधु, धीरे धीरे आमर जीवन बीतेबार शैली बदलिबारे लागिछि, परिवर्तन आसुच्छ सबकिछ। जदि देखिबा ताहले आमर जीवन शैली रे एते परिवर्तन आसुच्छ जे आमर खाद्य पेय रे मध्य परिवर्तन आसुच्छ। तेबे ता द्वारा अनेक समस्यार आमे सम्मुखीन होउछि, आमको विभिन्न रोग होउछि। गत अध्याय अनेक किछि कथा आमे जानबाको पाउथले, से विषय रे आज मध्य जानबा किछि नुवा कथा। सेथिपे प्रथमे स्वागत करबा आपण समस्तंकर प्रिय रेकी मिशन रा प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संत महोदयंकु। गुरुजी, आपणक आम कार्यक्रम को स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गत अध्याय आपण बुझौथले जे खाद्य पेय को नेकि जहाँ भी आमर समस्या आउछि, किपरि ताकु निराकरण करिवार आवश्यकता रहिछि, जहाँ द्वारा आमर शरीर सुस्थ रहि परिबो। आज कथा केउठ आरंभ करिबे? जहाँ आमे चर्चा करूथले खाद्य को नेकि सुस्थता बा आमर खाद्य ग्रहण करिवार प्रणाली कोन होबा दरकार, खाद्य ग्रहण करिवार समय कोन होबा दरकार एवं कोन कोन ग्रहण करिवा दरकार। जहाँ आमे कहूथले जे सबुज पनीपरिवार बा ताजा होता दरकार, बहुत जनकर मुंड भीतर थाए ताजा अर्थ सांगे सांग तोलिकी आनिबा ता नुहे। यदि ताजा शब्द व्यवहार करा जाए जे सुखी जाय नथिबो, तार जो जलीय अंश अछि से जलीय अंश से शाक सब्जी भीतर रहिथिबा दरकार एवं पची सड़ी जाय नथिबो। पचा सड़ा एवं सुखी जायथिबा परिवा को ग्रहण करिबा अनुचित, आउ जहाँ रहिला से ताजा परिवा भीतर गणति हुए, ताजा परिवा ग्रहण करिबा दरकार। वर्तमान जो जुग बा जिते आमर इकोनोमिक ये जदि देखा जाए तले व्यय बहुल जीवन आम अतिवाहित करूचे, से समय जदि कहा जाए जे प्रत्येक दिन फल ग्रहण करिबा उचित, हूत समस्तंक पाई आकु ग्रहण करिबा तांकर जो सीमा अच्छी सीमा रो बाहर हो पारे। तो फलर कथा कह जाऊनी केवल दामी फल आम जहाँ जाणीचे दामी फल ग्रहण करवा सबुठ उत्कृष्ट होचे कदमी फल हिसाब से आम गोटे दिन में जी गोटे कदमी भी ग्रहण करुचे तर शरीर पाई जी मिनेरल्स एंड विटामिन्स आवश्यकता अच्छी से आम पाई। तो प्रायत रात्रि समय आमको कदमीटे खाइबा दरकार, बा दिन समय आम जो संध्या समय भी खाद्य ग्रहण करुचे कदमी खाई, किंतु दिन को चार थर खाइबार अभ्यास रखा और आस्ते आस्ते चेष्टा करवा सूर्यास्त पूर्व आम कमी खाद्य ग्रहण करवा। यदि सूर्यास्त पूर्व खाद्य ग्रहण करुचे आम शरीर में जो बायोलोजिकल अर्गन अच्छी आम शरीर भितर जो उष्मता अच्छी से उष्मतार प्रखरता थाए, जहा द्वारा जो खाद्य आम खाऊ सहज भाव से हजम हो पारे, हजम हवा द्वारा ता भितर थिबा सार तत्व गुड़िक आम शरीर रे रक्त ही शरीर को आहुरी सुस्थ सबल करि पारे। जो खाद्यर कथा आम कहे बहुत समय आम जीभर लालसा को रखिपारे, अनेक समय एमती खाद्य खाई सारिबा परे मध्य आमे खाद्य ग्रहण करुचे जहाँ करिबा अनुचित। द्वितीय कथा खाद्य को केमिति आमे जो व्हेन फूड ट्रीटेड एज मेडिसिन बा खाद्य केतबेले औषध भली ग्रहण करा जिवो, आमे साधारण भावरे लक्ष्य करू जे जो माने रात्रि भोजन रो कथा पड़े, जदि आमे रात्रि भोजन न छाड़ी पारुचे, जो माने रात्रि भोजन करुछंती तुरंत भोजन करिया परे समान आसी जानती सोईबा पाई विश्राम अवस्था जितेबले मनीष चली जाए सेतेबले कौन हुए ना तो शरीर भितर तापमात्रा ह्रास घटे। तापमात्रा शरीर भितर किए दौचे ना जो त्रिताप कथा आम कहे पाचन शक्ति बा पाचनाग्नि धातवाग्नि जो आम अग्नि मानकर विषय कहे से अग्निगुड़िक कौन कै शीतल हो जाती, तेणु खाद्य प्रक्रिया खाद्य हजम करिया प्रक्रिया रे ह्रास घटी था। तेणु इतक आम लक्ष्य रखा उचित जे रात्रि रे जिते बड़े खाद्य आम ग्रहण करुचे शोवा को जीवार घंटे दि घंटा पूर्व आमको खाद्य ग्रहण करवा उचित, तुरंत खाद्य ग्रहण करें विश्राम करवा अनुचित। जदि से समय आम विश्राम करूँ
ताहले आम भितरे अनेक गुड़िए रोग सृष्टि हुए जहाँ ओडिया कथार मध्ये कहा जाइछि जे दीपर खाद्य समय रे आमको कौन करिवा दरकार बा कौन कले खाद्य आम शरीर पाई औषधर काम दबो जमी कहले जे खाई सोइले बढ़ई आयु शोबार कहा जाए नहीं जे निद्रा बोली शोबा व निद्रे जावा दीटी भिन्न कथा शोबार कथा आम शरीर को सीधा कर नवा कि समय विश्राम दबा तेणु खाइबापर आम शोबार आवश्यकता अच्छी जमी कहले जे खाई जदि आम धाइबू खाई धाइले बढ़ई वायु जोबले आमर विंड फॉर्मेशन कथा कहा जाए खाई सारिकी खराबल जिते आम खाद्य ग्रहण करुचे से खाद्य ग्रहण कर हठात कौन कार्य बाहर अनुचित किसी समय शोवा कि समय विश्राम नवा दरकार खाई बसिले बढ़ई पेट जी आम खाई सारिकी बसुचे तेल पेट बढ़ी जबार संभावना अच्छी सी कौन हुए ना गैस फॉर्मेशन हो जाए तार शेष उक्ति जहाँ आम लोक कथार उक्ति जो विज्ञान सरी जाठी ओडिया लोक कथा आरंभ हो खाई खाइले जमर फेट आम प्राय भावु जे जदि खाई चलू ताले आमको मृत्यु आसो जे खाई सारे जदि पुणी थे आम खाऊ ताले जम सहित भेट हबार संभावना अधिका बा आमको अनेकांशे हृदरोग हबार संभावना अच्छी आमर श्वासक्रिया बाधा सृष्टि होवार रोग जिते अच्छी से हबार संभावना अच्छी पेटरे अनेक गुड़िए रोग सृष्टि होवार अच्छी तो ये जो कथा गुड़िकाई जो गुड़िक लोक कथा आस्ते आस्ते आम परंपरा आम संस्कृति लोप पाऊँ ताको आम पा शिखेवा दरकार पचरे विज्ञान को जनवा दरकार जे कहीं लोक कथा आसी लोक कथा एमती कथार कथार बा कौन सी प्रसंग न थाई ये चर्चा को आसीनी ता पछरे विज्ञान अच्छी एवं युक्तियुक्त तर्क अच्छी जो तर्क पर्यवेक्षित है आमको लोक कथा आकार गोटे विज्ञान को साधारण ज्ञान रे परिवर्तन करी रूपांतरित करी आम जीवनचर्या भितर को अणा जाइछ खाद्यपेय को लेके अनेक कथा आउ कोन कहबे जहां आम खाद्यर प्रणाली कथा चर्चा करमि खाद्य ग्रहण करने को पड़ो आम केवल लक्ष्य रखुजे खाद्य केमी प्रस्तुत करने को पड़ो बहुत समय आम बहु कार्यक्रम देखुचे जो कार्यक्रम सब चर्चा हो खाद्य पकईवार खाद्य प्रस्तुत करार प्रणाली कौन हवा दरकार कि खाद्य ग्रहण करार प्रणाली कौन हवा दरकार से विषय आम चर्चा करूने खाद्य प्रस्तुत करवा प्रणाली केवल जीभपाई स्वादु हवापाई आम चिंता करुचे शरीर पाई केमी सुस्थकर हम से चर्चा आम करूने जो आमको बारंबार चिकित्सकों पाखक जावाक पड़ी अनेक समय आमको चिकित्सित हाकु पड़ी जहाँ दूरे रखापी हेले खाद्य ग्रहण करार जो प्रक्रिया जो प्रणाली जहाँ आम चर्चा करें पीढ़ापटारे खाइवा शिखा दरकार जो थे आमर मापा आम अजाणतरे आम मापा आम उपर काम कैसे केते खाद्य खाइबि कौन खाइबि पछर कथा कारण कहा जाए जे गोटे अवस्था एमती मनीषर थाए जो पथर खाइले हजम हो जाए जोटा कहते युवावस्था से समय मनीषर जठार अग्नि एवं पाचन अग्नि ठू आहुरी द्रुत थाए धातवा अग्नि तो जहाँ खाइले भी ताकु हजम करिवार जो क्षमता से क्षमता बहुल भाव में मनीष शरीर भितर थाए तो कौन खाऊचे तार जितकी इम्पोर्टेन्स नहीं जे आमको केमिति खाइबा दरकार ताकु शिखिबार आवश्यकता अच्छी किंतु वर्तमान पाश्चात्य वैज्ञानिक माने कहउछंती जे जितेबेले आमे खाई सारिबा परे दीपर रो खाद्य ग्रहण परे जदि आमे विश्राम करूचे एवं से विश्राम केते समय पर्यंत मैक्सिमम लिमिट इज 40 मिनिट्स 40 मिनिट पर्यंत एवं सबुठ कम समय केते अति कम रे 5 मिनिट 5 रु 40 मिनिट पर्यंत जदि आमे विश्राम नौचे बा सोइबा अवस्था रे रहुचे ताले आमर कार्य करिवार क्षमता रे वृद्धि घटुचे जहाँ पाश्चात्य सभ्यता एबे बुझुची प्राच्य सभ्यता बहु आगुरु आकु विज्ञान मान्यता नदी साधारण ज्ञान
जेनेल नॉलेज साधारण ज्ञान भाव में आमको शिक्षा दि जाइए आ पचर विज्ञान रोचे जे आम खाई सारी शोवापर कौन हो कहीं खाई जो दीपर खाद्य आम ग्रहण करोवापी कहीं कहूँ ना जो अग्नि अच्छी से अग्नि गोटे जगार केन्द्रीभूत हवार आवश्यकता अच्छी जदि आम शरीर को अस्थिर करूँ ताले जठरे जाए जठर अग्नि सहित पाचना अग्नि एवं धातव अग्नि उभयंकर मिश्रण हम ना जो आम देखुचे बर्तमान जे धातव अग्नि मांद्यता देखा आम साधारण भाव ग्रहण करदे अग्नि मांद्यता इंडाइजेसन होमें कहीदे कि कौन हो डायबिटिक पेसेंट बढ़ी बढ़ी जाऊँपाई ना धातव अग्नि जो प्रभाव अच्छी से प्रभाव सठिक भाव में जठरे पड़ूना तो ये तीन अग्नि को एकत्रीकरण करने स्वयं संपूर्ण क्रियाशील हवापाई आम शरीर को विश्राम कर आवश्यकता अच्छी जदि शरीर स्थिर आम न करूँ तेल तीन अग्नि सम्मिश्रित हम ना जदि तीन अग्नि मिश्रण न हो तेल आम पाचन क्रिया दोष त्रुटि देखादब जहाँ पचरे विज्ञान अच्छी जो से शरीर तत्व जाणी शरीर तत्व को साधारण भाषा व्याख्या करते साधारण भाव तार परिचित कराई से आम कौन हो गए साधारण ज्ञान भावी गोटे अंधविश्वास भाव आम दूरे देवाई चाहूल कि महत्व अच्छी विशेषत्व अच्छी तो खाद्य ग्रहण कर जो प्रक्रिया ये प्रक्रिया को आम सठिक करवा दरकार एवं तृतीय पदार्थ कथा कहगला जे केवल जे फल कथा कहुए पनीपरिया कथा कहुए जो पनीपरिया वाटर कंटेन्स अधिक अच्छी ताकू खाइबा कथा कहुए ना ता सहित कह रबी जातीय फसल जो थे कौन हो आ गए बड़ जिनस जहाँ एवं रिसेंटली आम देखुचे चिकित्सा विज्ञान में उन्नति करी चिकित्सा विज्ञानी मैंने जहाँ बेसी महत्व दौंती एवं से हूँ विटामिन डी जहाँ हूँ तो दस वर्ष तलू आम नौ नथिले आखि आड़ आखिरे देखुले जे ये प्रकार परीक्षा मध्य करा जाऊ नथिला ए प्रकार परीक्षा निरीक्षा जदियो करा जाऊथिला बहुत कम करा जाऊथिला क्वचित कोई जगार करा जाऊथिला किंतु वर्तमान ये गोटे मुख्य प्रसंग हो जाए चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा क्षेत्र विटामिन डी केते अच्छी विटामिन डी यदि डेफिशिएंसी हो शरीर जो ग्रोथ अच्छी से ग्रोथ रे हिंडरेन्स अच्छी बाधा सृष्टि हो जो विटामिन डी दब किए ना से कहले जो रबी फसल दुईटी प्रकार जगार आम साधारण भाव में विटामिन डी पाई विटामिन डी रो कौन सब्स्टिट्यूट ना आईसी रिसोर्स ना आईसी स्रोतर आम विटामिन डी पाईपर ना मुख्य स्रोत सूर्य रश्मि एवं से सूर्य रश्मि को कौ फसल धरी रखी पारुची से शस्य को जदि आम ग्रहण विटामिन डी बढ़ोपाई तो नामकरण करा जे रबी फसल जो फसल शस्य तो अच्छी ता सहित रबिंकर प्रत्यक्ष भाव परोक्ष भाव उपस्थिति अच्छी जहाँ आमको विटामिन डी दिए तेणु तो रबी जातीय फसल जमी आम कह बुट मुग जो प्रकार फसल अच्छी आमे नित्य नैमित्य जीवन में मुख्य खाद्य भितर सामिल करवा दरकार जद्वारा आम शरीर को आम सुस्थ रखिपर एवं खाद्य आमपाई खाद्य नई आमपाई औषध हम आमपाई आशीर्वाद हम ए समय चिठी पत्र विषय जानवर गत अध्याय गुरुजी अभय सर प्रश्न था आउ गोटे प्रश्न अच्छी से प्रश्नटी आजिकल हे तो समस्त मनरे कुंडलिनी कौन कौन आवश्यकता रही जीवन में यार आजिकल समस्ते भावुंजे कुंडलिनी जाग्रत हो गले कि ना कि गोटे असंभव को संभव करदे एक कथा कौन सत्यता अच्छी समस्ते करें साधारण भाव एमती अनेक गुड़े कथा अच्छी जो कथा को आम आश्चर्य शक्ति सहित जोड़ी दू जो कुंडलिनी कथा आसे जुगर शीर्ष सोपान कथा से आम भावु जे कुंडलिनी जाग्रत करिवार अर्थ आम भितरे गोटे ईश्वरीय शक्ति उदयमान हुए जहाँ मनीष पक्षे करिवा असंभव से कार्य करिवार से कार्य को संभव करिवार
गोटे अदृश्य शक्ति आम शरीर भितर काम करे। जितेबाला जुव अवस्था आम देखू प्राय जुव अवस्था समस्त मनरे प्रश्न आसे कारण से समय समस्त गोटे अवचेतन थाए टू बिकम हिरो गोटे हिरोइक आटीच्यूड पाए निजकु मुख्य चरित्र परिप्रकाश करने मुख्य चरित्र गुण देखापी से भावती जे जदि आम कुंडलिनी साधना करू तेल गोटे अद्भुत शक्तिर अधिकारी हो जहाँ हूँ जितेबाला आम पर्यायक्रमे चर्चा करवा जितेबाला कुंडलिनी साधना कथा चर्चा करवा कुंडलिनी शक्ति जाग्रत हवा कुंडलिनी साधना करवा दीटी भिन्न कथा। कुंडलिनी शक्ति जागृत रहा समस्त पक्ष हितकारक कुंडलिनी शक्ति जागरण करवा दरकार। कुंडलिनी साधना गोटे भिन्न रास्ता कुंडलिनी शक्तिर आवश्यकता शरीर पर अच्छी का शरीर शक्ति बिना शब जदि शक्ति ना जहाँ आम साधारण पुराण कथार पढ़ू जदि शक्ति रुना तेल शिव शब जमी शरीर भितर पंच तत्वर आवश्यकता अच्छी पंच तत्व शरीर सृष्टि पंच तत्व दीटी तत्व जहाँ आम बहिर्मुखी बाहर आम देख अग्नि तत्व शरीर भितर अच्छी जल तत्व शरीर भितर अच्छी भूमि तत्व शरीर भितर अच्छी दीटी तत्व बाहर रहा से दीटी तत्व न्यून मात्रा रे शरीर भितर अच्छी से मात्रा को वृद्धि करने पवन एवं आकाश तत्व जो दीटी तत्व रहा से तत्व को वृद्धि करिवार क्रिया कुंडलिनी शक्ति जागरण तो कुंडलिनी शक्ति को जदि आम जागृत करुचे ताले आम शरीर भितर पंच तत्वर सठिक समन्वय घटव सबुठ भल शरीर टे हवापाई पंच तत्वर एकत्रीकरण आवश्यकता अच्छी तेना पंच तत्व को एकत्रीकरण करने कुंडलिनी जागरण करार आवश्यकता अच्छी कुंडलिनी को सशक्तिकरण करार आवश्यकता अच्छी शक्ति कुंडलिनी सबुबले प्रभावान किंतु से शक्ति को आहुरी वृद्धि करने जमी आम गोटे जेनेटर यूज करुचे जेनेटर कौन हो कैपासीटी अनुसार जेनेटर साइज एंड वर्किंग कैपासीटी चेंज हो जाए ठीक सेमती आम शरीर भितर शक्ति प्रवाह करने जो जेनेटर सिस्टम अच्छी से जेनेटर सिस्टम हो तीन टी कुंडलिनी शक्ति बा कुंडलिनी आधार तो ताकू आम क्रिया अनुसार आम जदि वृद्धि करें वी आर एबल टू कंज्यूम मोर एंड मोर एनर्जी तेणु अधिका अधिका शक्ति आहरण करने कुंडलिनी को जाग्रत कर आवश्यकता अच्छे सुप्त अवस्था थाए किंतु निर्जीव अवस्था नुहे जहाँ भितर शक्ति प्रभावान हुए सी केतबले शक्ति प्रदान करे ना जितेबले कुंडलिनी देई पवन चलाचल करे सेतबले पवन कौन करे ना से कुंडलिनी शक्ति को उत्तोलन करे बा ऊर्ध्वमुखी करे आमे साधारण भावरे जानिचे जे जितेबले मनुष्य शरीर भितर वायु प्रवेश करे से निम्नमुखी हवापै चेष्टा करे बा वायु निम्न को जाए काहेकि ना शरीर भितर आम जो अन्य पदार्थ व्यवहार करुचे जो एयरवेज अच्छी सेठी किसी सॉलिड पार्टिकल था जो ता संपर्क में पवन आसी जाए पवन ओजन वृद्धि हुए और से ऊर्ध्वगामी नई निम्नगामी हुए किंतु आम एमती पवन ग्रहण करवा जो पवन को कई ग्रहण करती ना तेणु कुंडलिनी शक्ति जागरण करने को पवन आहरण करा जाए अपान जो पवन को पान कर हुए से पवन को पान करने द्वारा कुंडलिनी शक्ति जाग्रत हुए तो अपान वायुर संपर्क व निम्न रु आम वायुर प्रवाह वृद्ध को करवा पवन प्रवाह हवा द्वारा कौन हम ना जिते गुड़े आमर जहाँ को आम कौचे चक्र जहाँ को प्लेक्सस कौचे या स्नायु ग्रंथि शरीर भितर थी सबु स्नायु ग्रंथि गुड़िक शक्ति चलाचल हम तो सबु ग्रंथि जितेबले सतेज हो जाए सबु ग्रंथि सक्रिय हो जाए सेतेबले शरीर सक्रिय तेणु शरीर को सक्रिय करने कुंडलिनी जागरण करार आवश्यकता अच्छे किंतु तार अर्थ नुहे जे कुंडलिनी जागरण द्वारा आम आश्चर्य विद्या
देखा सक्षम हो पार से भ्रांत धारणा दूरे रहा दरकार योगर शीर्ष अवस्था आम कहू कुंडलिनी साधनार कथा जिते मन भितर साधक हबार आकांक्षा आसे आस्पृहा आसे सेतबेळे आम कुंडलिनी शक्ति को जागरण करिपारिबा एवं शक्तिर साधना करिपारिबा एवं शक्ति विभिन्न स्थान रे पहुँची आम कहू जे जे मूलधारा चक्र साधन करिछि से भिन्न कथा देखि पारिब जार खेचर क्रिया शक्ति आसी पारिब से भूत भविष्य बा त्रिकालदर्शी पारिब ये शास्त्र रे लेखा अछि किंतु से जगार पहुँची ताको साधन बा साधित करिवार आवश्यकता अछि एवं विभिन्न स्तर रे बा विभिन्न प्लेक्सस रे विभिन्न चक्र रे जेतेबेले पहुँचुची तार शक्तिर आधार भिन्नता होची शक्तिर प्रकाश रे भिन्नता आसुची तेणु साधना साधक पई आवश्यक साधारण जीवन पई कुंडलिनी शक्ति जागरण करिवार आवश्यकता अछि। आज्ञा गुरुजी निश्चय बहुत जनकर भ्रांत धारणा थी जमीक आपड़ बुझुते आशा जे से बुझीपारी तेज एक कथा सहित आज समय सर जाए बहुत बहुत धन्यवाद जय गुरु जय गुरु। दर्शक बंधु समय सरी जा कार्यक्रम को रखा पड़ो रोग विषय अनेक कथा जानुं कि रोग सहित आउ जब कौन विषय आपण मन में प्रश्न अच्छी किसी जानवाक चाहते आपण प्रश्न आमको चिठी जरिया लिखिपर आमको चिठी लिखा ठिकाणा रोमन धन प्रार्थना टीवी मार्फत ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड चंदका शिल्पांचल पटिया प्लॉट नंबर N28/31 भुवनेश्वर 751024 ओडिशा। चिठीर अपेक्षा रहिलु पुणी देखा हबो रोमंथन आउ एक अध्याय से पर्यंत विदा दिंतु जय गुरुदेव। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।